कुछ मृदाओं में जैविक पदार्थों की कमी भी सतत खाद्य उत्पादन एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक खतरे की तरह उभरने लगी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए ICAR के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आने वाली भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल ने फसल अवशेषों को शीघ्रता से कंपोस्ट में परिवर्तित कर मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की आधुनिक तकनीक विकसित की है, जिससे हर वर्ष उपलब्ध फसल अवशेषों तथा पशुओं के गोबर को बहुमूल्य कार्बनिक खाद में बदलकर लगभग 56.8 लाख टन नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश की आपूर्ति की जा सकती है। केंचुए की प्रजाति जैसे आइसिनिया फेटिडा, पेरियोनिक्स एक्सकेवेट्स या यूडेड्रिलस यूजेनिया आदि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए छायादार जगह पर बनाई 10 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई और 3 फीट ऊंचाई के एक पक्के पिट में फसल अवशेष एवं पशु के गोबर को बराबर मात्रा में मिलाकर इसे 15 से 20 दिन तक आंशिक अपघटन तथा तापमान स्थिर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। पिट में 800 से 1000 वयस्क केंचुआ छोड़ दिए जाते हैं। नमी बनाए रखने के लिए पानी डालकर पिट को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। इस तकनीक से लगभग 90 से 110 दिनों में वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट को खेत में डालने से मृदा जीवाणुओं की गतिविधि में बढ़ोतरी तथा मृदा स्वास्थ्य में उन्नति होती है। जिनके पास एक या दो मवेशी हैं, उनके लिए प्लास्टिक से तैयार वर्मी बेड ज्यादा किफायती होगी। फसल अवशेष एवं पशु अपशिष्ट से कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे में फसल अवशेष एवं पशु के गोबर को बराबर मात्रा में मिलाकर इसमें यूरिया 1 किलोग्राम प्रति क्विंटल कंपोस्टिंग सामग्री की दर से अच्छी तरह मिलाकर गड्ढे में डाल दिया जाता है। विघटन के लिए 60 से 70% जल धारण क्षमता तक पानी का छिड़काव कर इसे प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है ताकि नमी बनी रहे और तापमान में वृद्धि हो। विघटन क्रिया को तेज करने के लिए वायु का प्रवाह होना आवश्यक है। विघटित हो रहे कंपोस्ट को 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पलट दिया जाता है।